क्लॉजेट चाहे बेडरूम की हो या फिर बाथरूम की, उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आजकल मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेटिव बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं जिनसे कि आप मिनटों में ही अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते तो क्या आप अपने क्लॉजेट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके भी हम अपने घर को और अपने क्लॉजेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। वॉशरूम है, ये है मेरे बच्चों का, और ये क्लॉजेट है उनकी जो पहले बहुत ही मैसी थी, तो अब मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने बिना कोई पैसा खर्च करके इस क्लॉजेट को ऑर्गेनाइज किया है। लेट्स टेक अ लुक। तो जाने से पहले कहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो ये है वॉशरूम का वो एरिया जहाँ पे क्लॉजेट के साथ साथ ड्रेसिंग एरिया भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्लॉजेट में 3 शेल्व्स बनी हुई हैं, और सामान जो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ यहाँ बच्चों के लिए, वो बच्चों ने पूरा मैस किया हुआ है। तो बच्चे हों या बड़े हों, अगर चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हों तो इस तरह से मैस हो ही जाता है। तो ये एक बॉक्स है जिसमें जैस्मिन ने अपने क्लिप्स रखे हैं, अपने सनग्लासेस, रबर बैंड्स, बैंगल। सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टिकी शीट बिछा रही हूँ। आपके पास जो भी शीट अवेलेबल हो आप बिछा सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करती हूँ। ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से हमें सामान के साथ आते हैं, या फिर ग्रॉसरी स्टोर से भी आप इन बॉक्सेस को ले सकते हैं। तो इनको कट करके मैं इस तरह के पेपर्स के साथ इनको डेकोरेट कर लेती हूँ। अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है, ऐसा क्लॉथ है जो आपके यूज़ का नहीं है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बॉक्सेस यहाँ पे मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैं पेपर का इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। कई बार वेस्ट कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके पास कोई ओल्ड टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ट्रॉपिकाना जूस का एक वेस्ट बॉक्स पड़ा है प्लास्टिक का, अब इसको मैं कवर करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं टोटली वेस्ट मटेरियल ही यूज़ कर रही हूँ। पास कोई बहुत ज़्यादा बैंगल्स या ज्वेलरी तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बैंगल बॉक्स बना रही हूँ मैं उसकी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटनर जिसमें होता है, स्ट्रेटनर का एक बॉक्स पड़ा था मेरे पास, उसको यूज़ कर रही हूँ।
और ये है एक रोल जो फॉइल पेपर जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें से लास्ट में ये रोल निकलता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। बॉक्स की एक साइड पे, दोनों साइड्स पे नहीं, एक साइड पे हम पेपर पिन लगा देंगे और जिसके ऊपर हम उस रोल को टिकाएंगे और दूसरी साइड पे वो ऐसे ही अटैच हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए मैं इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये माइक्रोमैक्स फ़ोन का एक खाली बॉक्स है मेरे पास, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ये टिक टैक क्लिप्स रखने के लिए। देखिए ये खाली आइसक्रीम कप्स हैं, मैं इनका भी यूज़ कर रही हूँ। तो घर से बाहर सामान फेंकने से पहले एक बार सोच लें कि कोई सामान आपके काम भी आ सकता है या नहीं। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।